जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक राजपर के त हु वतन ही जे बाय चंद अल्फाज चंद एंड आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स मैन मेहरबानी 10 मिनट रे बारी गाल मौजूद ही कबड़ी आऊं न का पहरी पहली गाल खत्म कंदस पर ऑलरेडी पण सेशन सुबह जो देर सा शुरू के वाहे मुझे करे लेकिन वक्त जी बाबा निकदासी से शायद जेका 12 वगे की लंच ही हुआ सा कोई 12:30 वगे बुक करे चली आ और लगे न का वदी के रखो कर सके पलीजे साहब ते सेशन करने जो हिकड़ो मकसद यो हो तो उसाना में ईदो रहो उसाना जो सिंध में कन्वेंशन हुए या कि यूएस में थे उन सवाब इतने जी भी साना जो मुतहरिक दोस्त हुआ मुख्तलिफ वक्त इलाही पर्सनल ताल्लुक हो दिखो तो इलाही सारा मानू साना में इंस्पायर हुआ रियली टच सो मेनी पीपल हियर सो होनी छही वर्षी ताजो जून में मल्हाई वही आई थिंक 8 जून से असो ख्याल हो तो उनके मुनासिबत से पलीज साहब की याद करूँ थोड़े थोड़ा मूँ वेठा पर द पॉइंट वॉज के यो अस ड्यू हु जो अस 6 साल या 5 साल पैर ही करण खपंद हो वो को सकें सो देर वॉज रीजन कि अस पलीज साहब के याद कर पे चाहो उनकी छही वर्षी के हवाले से मुझे उन इलाही जो पर्सनल ताल्लुक रो बल्कि इलाही सारा मानू आई थिंक हाल में वेठा सही याद आई सलीम अहमद साई पलीज के बारे में कचहरी कह रहा है तो 70s में कराची में गजी यू नो सो सिंध में बल्कि याद तो एक दफे माइंड्रोल पे कर सही गफार रसूल साहब जो उनके पूछी सियासी पार्टी कदम जॉइन छो नई चीड़ी करण वालों हुस तो पूछो कड़ी जी पार्टी तो एकड़ी हुई आई होप योर रेफरेंस जो हो वो हो सो देट वॉज काइंड ऑफ इम्पैक्ट या अस इकबाल करीम साहब किस्सा बुधाइन पा जेल ज 68 में या ऑन ऑन वर्ड्स आई थिंक पा लाइव सेशन कर तमाम ये भी हुई समझा तो पलीज साहब जो जो उनकी डेडिकेशन हुई जो वक्त दी सियासत के पर थी वही मुख्य बड़ी कंट्रीब्यूशन लगन एकड़ो त जेका उन पार्टी छाई एकड़ी मूवमेंट उन क्रिएट कई सिंध में आई थिंक यो तमाम वो कम हों जलसो कर ठीक है मीटिंग कर पूरी तहरीक के जन्म दियन सिंध के अंदर जेका एग्जिस्ट सरे से एग्जिस्ट न पी कर उन कॉन्टेक्स्ट में जैसे नजरियाती बुनियाद पलीज साहब का आई थिंक सिंध में प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट सिंधी मूवमेंट जैमें पार उर्दू शागिर्द हुजन आई डू नॉट थिंक के सिंध की हिस्ट्री में इन किस्म की हमगीर किस्म की मूवमेंट रही हुए प्रायर टू अंडरस्टैंडिंग पार्टी भी पार्टियां हुई ऑब्वियसली हजरत हजूर साहब वाला हुआ पर एलिमेंट्स खड़ी आयो इन द पोलिटिकल मूवमेंट पलीजो साहब आई थिंक वो सिंध की तारीख में बिल्कुल यूनिक हुआ मुकर तो खबर अव सभी कला जो हों गल हो कला कला डेढ़ कला सभी उन्हीं एडी पुरमगस गाल हो जी किताब पढ़ो उन किताब तकीर में हवाला अच्छी दीद हो तमाम घना जलसा अटेंड किया शायद सभी मुझे ख्याल में सो मुझे इलाही असर महसूस कहि सियासी सोच से समझ के बारे में इवन स्पीच जो हाँ पा टुकड़ो कहो जो उन लाहौर में HRCP में कई हुई रिसेटलमेंट ऑफ बिहारी इज पाकिस्तान समथिंग लाइक दैट उनमें जो उन रिपटल के जो अंदाज कन्फ्रंट कई सिंध जो केस पेश कई आई थिंक शायद वकील भी हुआ प्रोफेशन तो उनके केस जो है एविडेंस नेसेसरी कंपोनेंट्स होजन खन केस जहाँ मजबूत केस जहाँ ही हैड दैट आर्ट being a lawyer so who I think dilham galaindo jen usana me ache ya ute huje pakistan level te jege sessions na paliyo sahab present his case and very powerfully unahi HRCP je session me ek sanjo pakistan ka uda nishwar ek baat aman bolu gayo ta dilham paliyo sahab ke sad ke hoyo ta ek wala ma de wo awaz video me ache pyo jega purani video ta ji here he comes if you think you can convince him you cannot so paliya sahab ke har har ehda issues te convince karan ko dukhe ho do yo ekro da afriya da zahira kehen bu qom mein hai so sindhi sindhi jehde samaj mein jehme manzoor tasdeeq kare bithayo ta ki asan je nadan sharan mein movements je ki resistance jo equal
उन सोसाइटी में तहरीक पैदा करना ऐं इट इज हिज पावर ऑफ आइडियाज एंड एनर्जी जो अॼु बि तव्हां ॾिसो छठे में हज़ारे माण्हू अचनि था हुनजे हुनखे यादि करण जे लाइ ख़ासि तौर ते औरतूं नौजवान छोकिरियूं जेको हुननि जी पोलिटिकल ग्रूमिंग कई एजुकेशन कई ऐं हुन जेको पार्टी जो कल्चर आई थिंक इंट्रोड्यूस कराई उहो दैट कीप्स ऑन लिविंग हुनजे छहनि सालनि खां पोइ आई थिंक इहा बि हुनजी वॾी स्ट्रेंथ आहे जो माण्हू न रहे फिज़िकली पर जेके तव्हांजे ख़्यालनि जी सघ आहे ऐं जेका तव्हां एनर्जी छॾे था वञो पंहिंजी तंज़ीम में सोसाइटी में उहा तव्हां खां उहा माण्हुनि खे को बि हलाए थी जाॻाए थी आई थिंक देर वॉज ऑल्सो बिग कंट्रीब्यूशन परिजो साहब पाकिस्तान जे कॉन्टेक्स में पोलिटिकल आइडियोलॉजीज जीअं हाणे साईं जी एम सां जो नज़रियो हुयो भुटे साहब जी डेमोक्रेसी हुई उन कॉन्टेक्स में मूंखे पलीअ साहब जी हिकिड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन लॻंदी आहे त पलीअ साहब पाकिस्तान खे ओन कंदो हो 1940 जी रेज़ोल्यूशन ते भई पाकिस्तान कहिड़ो पाकिस्तान असां कहिड़े पाकिस्तान में जॉइन शामिलु थियासीं उहो पाकिस्तान किथे आहे ऐं जेको हे पाकिस्तान आहे उहो तव्हां ॿुधोसि जेको जेको चयईं सो आई थिंक इहा बि हुनजी हुई त ही गेव आइडियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रूट्स टू पोलिटिकल मूवमेंट या जेका पोलिटिकल स्टैंडिंग आहे अवामी तहरीक जी या पलीअ साहब जे दोस्तनि जी जेको नुक़्ता नज़र आहे उन जा बि हुन रूट्स जेके आहिनि उहे ॻंढिया हाणे ऐं ॿियो मूंखे लॻे थो त हू जेको नज़रियाती इबहाम बि कॾहिं कॾहिं मेंटेन कंदो हुयो ऐं उहो छा ॼाणे वणे कंदो हुओ बिकॉज ही वॉज़ मोर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी मैन स्ट्रेटेजी छा आहे वॉट आर वी ट्राइंग टू अचीव आई थिंक ॿिया माण्हू शायदि कुझु नज़रिए में वधीक वाज़े आहिनि मूंखे लॻंदो आहे पर इहो सभु वॉज़ मोर स्ट्रेटेजिक ऐं आई थिंक उन जे करे मूं हिकिड़े दफ़ो पुछियोमांसि बल्कि बटे दोस्त गॾा वञण पिया मां हुनखे चयो मुंहिंजो वकील साहबु तव्हां करी पंहिंजी पार्टी जे अंदरि ई सिंधियुनि जे अंदरि एंटी मिलिट्री जेको क्रिटिक आहे उहो डेवलप कोन कयो आहे जंहिं फोर्सफुली जंहिं अंदाज़ सां तव्हां ॿियनि इशूज़ ते ॻाल्हायो था त मुस्कराए ऐं चीज कंहिंजे आसिरे ते कजे आहे सो प्रॉब्लम ही नॉट फाइंड द फोर्स टू फाइट वॉट ही विल यू नो सो आई थिंक काफ़ी मुहताज हूंदो हुयो पंहिंजी गुफ़्तगु में जिते जिते इलाही हूंदो हुयो दिलेर हूंदो हुयो बहादुर हूंदो हुयो सो मूंखे ख़बर नाहे सिंध में वरी अहिड़ा माण्हू कॾहिं पैदा थींदा ऐं पलीअ साहब जे जेका ख़्यालनि जी सघ आहे ऐं जेका हुनजी कंट्रीब्यूशन आहे मुंहिंजे ख़्याल में असां सां रहंदी आई होप के जेका हुनजी पार्टी आहे जेका हेॾी कमज़ोर कोन्हे का हुन हज़ारे माण्हू आहिनि उहा हुनखे सही तग में जीअं हले थी पई अञा वधीक इफेक्टिवली हुनखे मूव कंदी ऐं सिंधी जेको हिकिड़ो बहितर मुस्तक़बिल डिज़र्व कनि था संदसि पार्टी संदसि किताब हुन में किरदारु अदा कंदा महिरबानी